अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग का तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है। यू नो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं टारगेट ऑडियंस क्या होता है, वो लोग धक्का पेलकान किए जा रहे हैं इधर उधर, उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई किस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो मार्केट में जितने भी ब्रांड चल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं, उन सबको पता है कि भाई हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होता है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं सबके लिए एक सुटेबल ऑडियंस होती है मार्केट में, बस आप लोगों को देखने की जरूरत होती है। मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं समर सर सेल नहीं आ रही, क्या करें भाई क्या करें, ऐसा मतलब समझ ही नहीं आ रहा, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तब भी सेल नहीं आ रही। सेल इसलिए नहीं आती है क्योंकि कई बार आपको टारगेट ऑडियंस सही नहीं आती आपके पास में। आप बेच रहे हो सेब लेकिन ऑडियंस आ रही है केले वाली आपके पास, तो कैसे आपका सेल निकलेगा। टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी होता है। सो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं कि कौन सी आप लीड्स ग्रो कर रहे हो, लीड्स आर कर रहे हो, बिज ग्रो कर रहे हो, तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है। प्रैक्टिकली बताऊंगा, फ्रेमवर्क दूंगा जो अपनी टीम को देता हूं, और आप लोगों ने ट्रेनिंग में भी मेरा मतलब जितने मैंने जूम पे ट्रेनिंग दी है आपने ये सारा पूरा अटेंड भी किया होगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा, अपनी टीम को भी भेज सकते हो सारी वीडियो, ठीक है। और देखो भाई पसीना हो रहा है इतना गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। सो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले Let's get started. सो गाइज आज की जो वीडियो है ये अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है, और हम अगर लीड्स आर लीड्स ग्रुप बिज ग्रुपल जैसे ई लर्निंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उनके लिए सुटेबल ऑडियंस क्या होगा, और हम कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने फेसबुक पर लेके चलता हूँ, और जैसा आप देख सकते हैं आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक ना हमें 5000 फ्रेंड्स की लिमिट देता है कि भाई हम 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक। सबसे पहली गलती बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को बढ़ाते नहीं हैं, और अगर फ्रेंड्स बढ़ाते भी हैं तो उन्हें ये मतलब पता ही नहीं होता है कि भाई एग्जैक्टली उनके प्रोडक्ट के लिए जो ऑडियंस चाहिए वो उनके आईडी पे है या नहीं है, ठीक। और ये स्पेशली मैं एक चीज़ लड़कियों के लिए बता देता हूँ, जैसे कई सारी लड़कियों को प्रॉब्लम ये होती है कि फेसबुक पर आपको पता है कई तरह के लोग होते हैं, और लड़कियों को देख कर तो जाहिर सी बात है लड़के उनकी फेस को देख के रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं रिक्वेस्ट को सीधे एक्सेप्ट करके, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, तो वो एक्सेप्ट करके ही सोचते हैं उन्हीं को बिज़नेस बताना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से क्या होता है फिर लोग आते तो हैं फिर वो बिज़नेस के लिए नहीं आते, किसी और ही पर्पस के लिए लोग आ जाते हैं, फिर आपका मतलब आप लोग डिमोटिवेट होने लग जाते हो कि मतलब कैसे क्या करना है ना, लोग सुन नहीं रहे हैं, मतलब एक्चुअली सुन इसलिए नहीं रहे बिकॉज वो आपकी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, मतलब बिजनेस के लिए आए नहीं, वो किसी और पर्पस के लिए आपके साथ में आए हैं। तो लड़कियों का ध्यान रखना, साथ साथ में लड़कों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टारगेट ऑडियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं हज़ार बार एग्जांपल से समझा चुका हूँ कि हमें अगर आप केला बेच रहे हो तो केला बेचने वाली ऑडियंस चाहिए, अगर सेब बेच रहे हो तो भाई सेब बेचने वाली ऑडियंस चाहिए, मतलब जो चीज़ आप बेचोगे हर एक चीज़ के लिए ऑडियंस बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ई लर्निंग प्रोडक्ट्स हैं तो जाहिर सी बात है अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो इस मतलब इस प्रोडक्ट की ज़रूरत आज के टाइम पे हर एक इंसान को है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 5000 फ्रेंड्स आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने रहते हैं, ठीक है। आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके कितने भी फ्रेंड है आईडी पे 200, 300, 1000, 2000 कंप्लीटली जल्दी से इसको जाके 5000 फ्रेंड जितनी जल्दी हो सके। अभी मेरी ये 4 महीने पुरानी आईडी है, इस पे मेरे 3463 फ्रेंड हो चुके हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी अभी 5000 की तरफ लेके जा रहा हूँ कि और ये मैक्सिमम इसमें से 80-90% लोग टारगेट ऑडियंस मेरी है, क्योंकि मैक्सिमम मैं ऐसे लोगों को ही टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो अभी टारगेट ऑडियंस कैसे रहेगा मैं अपनी टीम को कैसे बताता हूँ, है ना, अभी तक मैं पर्सनल ट्रेनिंग में कैसे बताता रहा हूँ। देखो आपको कोर्स में क्या पता है, क्या बताया गया है उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि क्या है कोर्स में जो चीज़ें बताई गई हैं वो थोड़ी सी सैचुरेट हो चुकी हैं, क्योंकि सारे लोग ही वही एक ही फॉर्मूले को अपनाते जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा अलग तरीका बनाया कि किस हिसाब से एक फ्रेमवर्क मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। डायरी पेन लेके बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, आप क्या करो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब मैं एज अ बिगिनर काम कर रहा था तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मेरे को अपने हिसाब से ऑडियंस बनानी है, क्योंकि देखो इससे 2-3 चीज़ें रहती हैं। क्या रहता है कि जब आप अच्छी ऑडियंस बनाते हो, अब आपको भी पता होना चाहिए कि भाई फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म रहता है वो आपके एक्टिविटी या बिहेवियर के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक। जब आप इधर उधर के फालतू फ्रेंड्स अपने आईडी पे लेके आ जाते हो तो फिर अच्छे लोग आपकी आईडी पे आएंगे नहीं, फिर उसी तरह के फ्रेंड्स उसी तरह के लोग आपके एड फ्रेंड में आएंगे, उसी तरह के पेजेस आपके पास आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी नहीं। अब मैंने अच्छी ऑडियंस बना रखी है तो अभी आपको मैं अपने न्यूज़ फीड चेक करा दूंगा, कभी कोई फालतू चीज़ दिखेगी नहीं, सारे बिजनेस से रिलेटेड लोग दिखेंगे एड फ्रेंड में, और जो पोस्ट आती है वो सारी बिजनेस
से रिलेटेड ही आती है, तो इससे एक माहौल बनता है। तो आपको ना सबसे पहले माहौल बनाना पड़ेगा एक बिज़नेस वाला अपनी आईडी पे, ताकि अच्छे लोग आ सके, तभी तुमसे आप कनेक्ट करके आगे अपना बिज़नेस बढ़ा पाओगे ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी ये फ्रेंड्स कहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे बिल्ड करना, और रिक्वेस्ट भेजने को आप हल्के मत लेना। मैं हर एक ट्रेनिंग बोलता हूँ इसको एक सीरियस टास्क की तरह लो, एकदम सीरियस रह के मेरा रोज का ये लगा लो 30 से 40 मिनट रिक्वेस्ट भेजने पे जाता है। मैं ऐसा नहीं कि एक ही बार आया तो और एकदम अचानक से किसी को भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आँख बंद करके, नहीं, बहुत सोच समझ के मैं अपनी ऑडियंस बनाता हूँ। तो वो फ्रेमवर्क मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसके पहले सबसे पहले आप अपना एक डायरी ले लो या रजिस्टर जो भी लेना चाहो ले लो, कुछ रॉज बना लो, आप कुछ लाइन खींच के कुछ बॉक्सेस बना लो, उन बॉक्सेस में आपको ना जो जो बताते जाओ वो लिखते जाना, फिर वहीं से आपको डेली डेली आपको रिक्वेस्ट भेजना। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी बनानी है, ठीक। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो सुटेबल ऑडियंस मिलेगी, ऐसी ऑडियंस हमें चाहिए जो बिजनेस करती है, जो सेल्स से रिलेटेड हो, सेल्स की मतलब कुछ भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस वाला सेल हो सकता है, वो रियल एस्टेट वाला सेल्स हो सकता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सेल्स हो सकता है, वो अदर एफिलिएट मार्केटिंग वाला सेल्स हो सकता है, वो कुछ भी सेल्स हो सकता है, किसी भी तरह का सेल्स हो सकता है। तो सेल्स वालों को स्पेशली आपको टारगेट करना है। तो ये ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे सेल्स वाले, या तो ये किसी बिजनेस वाले पेज पे मिलेंगे, या किसी कंपनी के पेज पे मिलेंगे, या किसी इन्फ्लुएंसर के पेज पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी बना ली, और पहली बता रहा हूँ कोर्स में जैसे कि बताया हुआ है राहुल भटनागर, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, इन तीनों लोगों को हटा दो, इन तीन चार लोगों को, लोगों ने गंद मचा रखा है इनके प्रोफाइल पे जा जाके ना, सब लोग यहीं से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आपको कुछ अलग करना है, कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्रोम पे ले जाके दिखाता हूँ, आपको क्रोम पे जाना है और कैटेगरीज कैसे बनानी है बता रहा हूँ मैं। पहला आप लिख लेना बड़े बड़े बॉक्सेस में इन्फ्लुएंसर, ठीक है, और कम से कम 10 से 15 इन्फ्लुएंसर के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे गए, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स, अभी काफ़ी लोगों के नाम आ गए। अब इसमें से नाम छाट छाट के आपको लिख लेने, अब ये नहीं है कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा या सोनू शर्मा ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, मतलब जितने भी मैक्सिमम लोग हैं ना, मैक्सिमम जो नंबर्स है वो इन्हीं लोगों को सर्च करके भेज रहे हैं, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स एक तो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही तरह का रिजल्ट लोगों को मिलता है, ठीक है। तो आपको कुछ हटके करना है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसमें से किसी बेस्ट 10 इन्फ्लुएंसर का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है, और उसको जो मैंने कैटेगरी बनवा रहा हूँ ना उसमें 10 लोगों का नाम लिख लो। अब आपको क्या करना है, अभी वो आगे मैं बताता जाऊँगा क्या करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी आपको बना लेनी है। अब दूसरी जो आपको कैटेगरी बनानी है वो नेटवर्क मार्केटर्स के जो टॉप अचीवर्स हैं ना उनकी कैटेगरी बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लोग एक कैटेगरी बना लेंगे, एक मिनट, अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऑल इंडियन, एक्चुअली इस पे ज़्यादा काम किया नहीं है, नया मोबाइल, इस पे ज़्यादा काम हुआ नहीं है इसलिए इस पे टाइपिंग उतनी है नहीं अभी, ऑल इंडियन नेटवर्क मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं चाहिए हमें, टॉप अचीवर्स चाहिए, कम टॉप अचीवर्स के नाम निकाल लो। देखो कितने सारे लोगों के नाम आ गए, सोनू शर्मा, दीपक बजाज, सिद्धार्थ सिंह, चेतन हांडा, सुरेखा भार्गव, पुष्कर राज ठाकुर, सूर्य सिन्हा, एसपी भरेल, काफ़ी लोगों के नाम आ गए हैं जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप लीडर्स हैं, तो उनके नाम के पेजेस भी ऑफकोर्स आपको मिलेंगे। और जाहिर सी बात है इन लोगों को कौन फॉलो करना चाहेगा, ठीक। अब जैसे मैक्सिमम लोगों को मैं इनमें से फॉलो करता हूँ, काफ़ी मतलब कुछ सीखा मैंने इन लोगों से और ट्रेनिंग भी ली है, जैसे कि चैट विद सुरेंद्र वत्स का अगर आपने नाम सुना हो, तो दिल्ली में एक बार इवेंट हुआ था, तो ऑलमोस्ट मैं सभी लोगों से मिल चुका हूँ, सभी लोगों के साथ में मतलब सीख चुका हूँ, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं। तो आप इनमें से इनकी मतलब एक कैटेगरी बना सकते हो अलग से, फिर इनके पेजेस को वो मैं आगे बताता हूँ उनका क्या करना है। इन्हें दो कैटेगरी तैयार होगी, अलग से मोटिवेशनल स्पीकर्स की और फिर नेटवर्कर्स की, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी होगी। अब तीसरी कैटेगरी आपको किसकी बनानी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की आपको बनानी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की। आपको यहाँ पे गए और यहाँ पे लिखना है आपको, ऑल इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज,
और आपको इंडियन कंपनीज की यहाँ पे लिस्ट बना लेनी है, जैसे आ रहा है ये मोदी की एरा में लाइफ स्टाइल, हर्बल लाइफ, वेस्टीज, ओरिफ्लेम, तो आप मोर आइटम में जाओगे तो काफ़ी और कंपनीज मिल जाएंगी, तो इंडियन कंपनीज की आप बना लेना। जैसे एमवे है, वो एक अमेरिकन कंपनी बट इंडिया में भी चलती है, बट मैं क्या करूँ स्पेशली आपको सिर्फ इंडियन कंपनी जैसे मोदी केयर, वेस्टिज, ओके लाइफ केयर, सेफ शॉप, तो ऐसी कंपनीज के आप लिस्ट बना लेना, ठीक है। इसके बाद किस चीज़ की लिस्ट बनानी है आपको, नेक्स्ट जो लिस्ट बनानी है वो स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे, तो हमेशा बोलता हूँ मैं कॉलेज को टारगेट करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल कॉलेजेस। तो यहाँ कुछ कॉलेजेस के मैं नाम सर्च कर लूँगा, अभी आप कुछ भी कर सकते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली के कॉलेजेस सर्च करता हूँ, आप जिस भी सिटी से हो आप उस सिटी का, लाइक कोलकाता से हो तो कोलकाता यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कानपुर से हो तो कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ से हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब जहाँ भी आप रहते हो उस सिटी का जो भी फेमस यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो उसको आपको सर्च करना है। आप दिल्ली का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस के नाम आ जाते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं ये सेव कर लूँगा क्योंकि कॉलेजेस तो बहुत सारे आएंगे, तो कॉलेजेस का नाम तो खैर नहीं लिखा जा सकता, इतने सारे कॉलेजेस हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि इस पेज को मैं ना ले जाके यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन कर दूँगा, इससे क्या रहेगा ये वाला पेज ना मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे ऐप्स ऐप्स वगैरह आता है ना, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ऐड टू होम स्क्रीन करके ऐड कर दिया, ठीक। अब ये सीधे मेरे यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया ना गूगल वन के लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये सीधे यही खुल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा जाके कर लेना क्योंकि कॉलेजेस के बहुत सारे नाम रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। अभी ये हमारा नेक्स्ट कैटेगरी बन गया। इसके अलावा आप कौन सी कैटेगरी बनाना है आपको, यहाँ पे बना सकते हो ऑल इंडियन जॉब पोर्टल्स, मतलब जॉब वाले पोर्टल्स होते हैं ना जहाँ जहाँ से जॉब मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, कोई भी एक पेज कर लेना। जैसे मेरे को पता है लिंक्डइन है, Naukri.com है, अपना है, मतलब काफ़ी ऐसे मतलब पोर्टल्स हैं जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे पोर्टल्स के आपको नाम लिख लेने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी देखो बहुत सारी कैटेगरीज बन गई है, ठीक है। मैं 10 से 15 कैटेगरी मैंने बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते हैं ना, जैसे पैरामाउंट, KD कैंपस, इसका एक बना लेना, या इसके अलावा ई लर्निंग्स हो गया, बाईजूस हो गया, वेदांतु हो गया, अनअकैडमी, इन सब चीज़ों के आप पेजेस के मतलब पूरा लिस्ट एक तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा आप जितने भी लाइक बैंक्स हैं, बैंक्स का आप लिस्ट बना सकते हो। ये सारे वो कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ जहाँ से आपको रिक्वेस्ट करनी है। शुरू के जो 5 है इन पे ज़्यादा फोकस करना, बाद के जो मैंने बताया ये मेरे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं जिससे मेरे को रिजल्ट मिला है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से लोगों को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। लेकिन शुरू के जो 5 मैंने बताए ये सारे टॉप हैं, मैक्सिमम जो आपको रिक्वेस्ट भेजना है आपको, मतलब 80 से 90% रिक्वेस्ट आपको यहीं से भेजना है, ठीक। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको पूरा कैटेगरी बना लेना। अभी इन कैटेगरीज का आपको क्या करना है ये हम फेसबुक पर चल के दोबारा से बताते हैं। अब इन कैटेगरीज का आपको क्या करना है, जैसे पहला कैटेगरी बनवाया था मैंने इन्फ्लुएंसर्स का, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक इन्फ्लुएंसर हम ले लेते हैं, जैसे कि उज्ज्वल पटनी ले लेते हैं हम, ठीक है। उज्ज्वल पटनी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी आपको क्या करना है, इनके पेजेस पे जाना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर है ना, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, जाना है इनके पेजेस पे भी जाना है, बट कभी 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 कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जिनको ज़्यादा लोग मतलब अभी सर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के पास जाना है आपको। अब उज्ज्वल पटनी जी के जाहिर सी बात है कौन लोग फॉलो करते होंगे, इनको बिजनेस वाले करते हैं, पेरेंट्स हैं जो, क्योंकि इनका पेरेंटिंग के ऊपर एक कोर्स चलता है पूरा, तो पेरेंट्स जो मैच्योर लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ऐसे नहीं कि अब रिक्वेस्ट का दिख रहा है तो लगातार लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है प्रोफाइल को, चेक करना थोड़ा सा, जैसे सुशील कुमार पांडे जी का मैं ये प्रोफाइल थोड़ा सा देख लेता हूँ। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई बार लाइक प्रोफाइल जो रहते हैं ना वो लॉक रहते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखता नहीं, हो काम नहीं करता है पूरा, ठीक है। दिख रहा होगा तो बेटर है, अदरवाइज ऐसे तो दिख ही रहा होगा। तो मैं प्रोफाइल को देख के रिक्वेस्ट भेजता हूँ, क्या देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं वो बता देता हूँ। जैसे ये है अमरजीत सिंह, नाम आ रहा है लेकिन इसमें कुछ शायरी वायरी टाइप लिखी हुई है, तो ये मेरी मेरे को लग नहीं रहा कि मेरी ऑडियंस है, ठीक है। ये एक तो प्रोफाइल पिक्चर बंदे की खुद की होनी चाहिए, दूसरा ये चेक कर लेना कि बंदा मतलब अपडेटेड हो, लाइक हर हफ्ते या हर मतलब महीने 2-3 पोस्ट तो कम से कम कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को आप रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है। बाकी ये सोनू कुमार है, ये सही दिख रहा है मेरे को,
उदय है, इसको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। तो ऐसे लोगों को मतलब आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब यही सेम चीज़ करना है, अभी जो मैंने कैटेगरी बनाई है ना, अब ऐसा नहीं कि उज्जवल पटनी से ही आप लोग भेजने लग जाओ, इसीलिए मैंने बोला है कि 10-15 इन्फ्लुएंसर के नाम लिख लेना। अब उनको मतलब डेली डेली आपको चेंज करता रहना है, अभी कभी उज्जवल पटनी ले लिया, कभी जैसे मैंने अभी करवाया था नेटवर्कर का तो दीपक बजाज ले लिया कभी, ठीक है। और आपको डेली एक काम करना है, डेली कम से कम देखो नई आईडी है, रिपीट कर रहा हूँ, 15 से 20 रिक्वेस्ट भेजनी है नई आईडी। अगर है पुरानी आईडी हो चुकी है तो एक दिन में 50 रिक्वेस्ट आराम से भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी 50 भेजता हूँ, ठीक है। 40 से 50 गिन के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जाके पेजेस पे क्लिक करना है। दीपक बजाज के एक नेटवर्कर हैं, इनके यूट्यूब चैनल है, लाखों सब्सक्राइबर है इनके, बट इनको अभी उस लेवल पे लोग फॉलो नहीं करते हैं जैसे विवेक बिंद्रा जी को करते हैं या सोनू शर्मा ऐसे, बट हाँ यहाँ पे हमें अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता जाऊँगा, यहाँ से सारे नेटवर्कर मेरे को मिलेंगे, तो ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दूँगा। प्रोफाइल थोड़ा सा देखूँगा मैं, जिनका प्रोफाइल मेरे को दिख रहा है ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको रिक्वेस्ट भेजना है यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो मैंने अलग कैटेगरी बनवाई थी आपकी स्टूडेंट्स की, यानी कि कॉलेजेस के नाम की, तो हमें क्या करना है, अभी ये जो कॉलेजेस के नाम आ रहे थे ना, एक मिनट, कॉलेजेस के जो नाम आ रहे थे, अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं कॉलेजेस के नाम सर्च करता हूँ। जैसे कि मैंने ये कॉलेज लिया, इसको मैंने इसका नाम सर्च कर लिया। अब इसको ना चेंज करते रहना है आपको, इतने सारे कॉलेजेस है ना, तो अलग अलग कॉलेजेस को आपको सर्च करना है। अभी यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, अभी इसको सर्च कर लिया, ठीक है। अब इसके नाम का कोई पेज या जो भी ग्रुप है वो मेरे को दिखना चाहिए। पहले मैं पेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ, किसके नाम के पेजेस मिल जाए। अभी जाहिर सी बात है कॉलेज का नाम डाला है तो इस पर स्टूडेंट ही मिलेंगे, और कोई तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको देखूँगा मैं, जैसे ये तो खैर टीचर्स हैं, उन्होंने आपस में लाइक किया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ से पहले रिक्वेस्ट भेजा हुआ, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को भेजता रहता हूँ मैं, तो मैं प्रोफाइल चेक करूँगा, जिसकी प्रोफाइल मेरे को ठीक लगेगी तो मैं उसको रिक्वेस्ट भेज दूँगा, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो, लाइक अगर कोई स्टूडेंट दिख रहा है, मान लो इसको मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, अगर इसका कोई फ्रेंड दिख रहा है आपको, इसमें कोई फ्रेंड दिख रहा है, मतलब ऐसा इनके फ्रेंड्स शो हो रहे हैं, तो यहाँ से जाके भी आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बट हाँ वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे आपको क्या करना है, जितने भी कॉलेजेस हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी पेज पे एंगेजमेंट ना मिले, बट हाँ वो चेक करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इतने सारे कॉलेजेस के नाम आ रहे हैं, कई बार हो सकता है किसी पे ना मिले, बट ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई समर भाई ने ये वाला कॉलेज बोला था तो इस पे अभी तो लोग तो मिले ही नहीं, मतलब हाँ इंगेजमेंट आपको चेक करनी है। बहुत सारे 100 से ज़्यादा कॉलेजेस के नाम है, मैंने सारे ही चेक किए हैं 1 by 1, ठीक। अब इसके अलावा और क्या कैटेगरी बताई थी, ई लर्निंग की बताई थी, तो अनअकैडमी सर्च करके वहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और इसके अलावा यूट्यूबर्स के मैं करता हूँ, जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी मैंने एक कैटेगरी बना रखी है, उनके पेजेस से जाकर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जैसे कि टेक्निकल गुरु जी हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा था, ठीक है। मैं कभी रिपीट नहीं करता हूँ, लगातार एक ही जगह से रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ। अब यहाँ पे कौन मिलेंगे, यहाँ पे वो लोग मिलेंगे जो टेक्निकल गुरुजी क्या करते हैं, टेक के ऊपर रिव्यूज़ करते हैं, है ना। तो जिन लोगों को टेक में इंटरेस्ट होगा तो वैसे लोग मेरे पास आ जाएंगे, या जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना वो मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूरे लाइक इनका जो चैनल है, लोग अगल बगल भी देखते हैं, इंडिया के अलावा भी देखते हैं, तो एक चीज़ चेक कर लेना कि बंदा मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश या इधर से ना हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देख लेना इंडियन बंदा हो, ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भेजना है, तो ये प्रॉपर आपको अपना एक टारगेट ऑडियंस मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लोगों को रिक्वेस्ट भेजना है, और रिक्वेस्ट भेजने को एकदम सीरियस लेना है आपको, ठीक है। अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट भेजना है तो ही आपका काम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब ये रिक्वेस्ट क्यों भेजने के लिए बोला जा रहा है आपको, हाँ इसके अलावा और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हमने बोला था, तो आपको मेन फोकस इन पर भी करना है, ठीक है। जैसे वेस्टीज या मोदी कह रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज से आपको रिक्वेस्ट भेजना है, कंपनी भी चेंज करते रहना, IMC भी कंपनी है, MI लाइफस्टाइल है, ग्लेज है, ऐसी कंपनी को आप चेक करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके पेजेस पे जाऊँगा, पेजेस पे जाने के बाद इनका मेन पेज है या जितने भी पेजेस हैं सब पे मैं एक बार जाके, यहाँ से मेरे को कौन मिलेगा, जाहिर सी बात है नेटवर्कर मिलेंगे मेरे को, तो मैं नेटवर्क मार्केटर्स वालों को रिक्वेस्ट भेजता जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। फिर यही लोग है बाद में मेरी लीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जितने भी मैंने कैटेगरीज बनाई है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करवाते हैं ना, वहाँ से भी आप रिक्वेस्ट भेजो, और भी मैंने जो अभी कैटेगरी स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, तो ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भेजो। तो ये रिक्वेस्ट भेजने को एकदम सीरियस लेना है, ठीक है। नई आईडी है तो 20 लोगों को डेली रिक्वेस्ट भेजो, और पुरानी आईडी है पहले से 200-300 फ्रेंड है तो आप आराम से 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। रिक्वेस्ट भेजने को एकदम सीरियस लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब मैं बिगनर था, जब मैंने फर्स्ट सेल करी थी अफिलिएट मार्केटिंग में, तो भी मैं ये काम कर रहा था। आज लाखों रुपये कमा चुका हूँ अफिलिएट मार्केटिंग से, तो भी ये प्रोसेस मैं फॉलो कर
रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजते रहना है, 5000 फ्रेंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे कि आपके इनएक्टिव फ्रेंड हट जाते हैं, ठीक है। तो आप दोबारा ये मतलब प्रोसेस चलता रहेगा। अब इससे क्या रहेगा कि जब आप टारगेट ऑडियंस, अच्छी ऑडियंस, खुद से बनाई हुई ऑडियंस जब आपके आईडी पे आएगी, तो इससे क्या रहेगा ना, जब आप कोई बिजनेस का पोस्ट डालोगे तो वो लोग इंगेज भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे, समझ गए। और जब आप ऐसा कोई फालतू बंदे को ऐड कर लोगे जो आपकी शक्ल देख के आ रहा है, आपकी खूबसूरती देख के आ रहा है, तो वो लोग शायद आपकी बिजनेस, आपकी फोटो पे तो करेंगे लाइक कमेंट, लेकिन बिजनेस वाली पोस्ट पे लाइक कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बिजनेस वाली ऑडियंस रहती है, नेटवर्कर रहते हैं, तो ये मैच्योर लोग रहते हैं, ये मतलब जब आपकी लीड बन के आएंगे तो रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई टारगेट ऑडियंस को अच्छे से रखना और इस हिसाब से अपनी ऑडियंस को बिल्ड करो और जल्दी से जल्दी 5000 फ्रेंड को कंप्लीट कर लो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को बिल्ड करना है, कहाँ से रिक्वेस्ट भेजना है, कैसे करना है। तो आज की ट्रेनिंग का ये जो तीसरा पार्ट था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्टोरी काम करता है या लीड जनरेट आप मतलब कितने तरीके से कर सकते हो ऑर्गेनिकली। लीड जनरेशन वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 6 से 7 तरीके बताने वाला हूँ मैं उसको। तो सारी वीडियो क्योंकि ट्रेनिंग वीडियोज है, ठीक है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि जो 8 से 9 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये लंबी भी जा सकती है, 30 मिनट 40 मिनट भी जा सकती है। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी कोई दिक्कत तो व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऊपर की वीडियो जरूर देखना और पीछे मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं फॉलोअप के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर, हर एक वीडियो को अच्छे से जाके देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।